किचन पर। आज हम गोला कबाब बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गोगी शेरी किचन पर। आज हम गोला कबाब बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा बारीक पसवाया है और इसे धोकर इसका पानी ऐसे दबा दबा कर, बहुत दबा दबा कर निकाल लिया। अभी भी स्टेनर में है ये। उसके बाद हमने एक टेबलस्पून मैंने ज़ीरा और धनिया पिसा हुआ लिया है, डेढ़ टी स्पून सुरख मिर्च, एक टी स्पून से ज़रा कम नमक, इसलिए कि नमक मैंने प्याज को सुरख करते हुए डाला है। प्याज दो बड़े प्याज मैंने लिए थे, बहुत बड़े नहीं, दरमियाने बड़े दो प्याज, और इनको मैंने ऐसे तल लिया है। एक टेबलस्पून हम खशखाश की लेंगे, खशखाश को भी मैंने बारीक पीस लिया है, और इसके अलावा एक टेबलस्पून बेसन, इसको भी मैंने भून लिया है, और एक टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, एक टीस्पून गरम मसाला और दो हरी मिर्चें ली। खशखाश को कैसे धोया जाता है, कैसे सुखाया जाता है, क्योंकि इसमें रेत होती है और इस पर ख़ास तरीके से हम साफ़ करते हैं, जिससे रेत जो है वो पानी में नीचे बैठ जाती है और ऊपर से हम खशखाश उतार लेते हैं। फिर इसको सुखाने का भी एक तरीका है। फिर उसके बाद आप इसको ग्राइंड नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक मेथड है। तो ये मैं सारी एक वीडियो खशखाश को साफ़ करने की, भूनने की एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे खानों में खशखाश पड़ती है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इसकी क्या ज़रूरत है या नहीं। तो अब हम अगले प्रोसेस में जाते हैं। अब मैं पहले कीमे को अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। वैसे तो ये बहुत बारीक पिसा हुआ, लेकिन चॉप करने से ये एक और तरह का फ्लफी सा मुलायम हो जाएगा। और इसी तरह बाकी सारी चीज़ें भी चॉपर में डालकर इन्हें आपस में मिक्स कर लो। फिर उसके बाद हम गोला कबाब बनाएंगे। एक टेबलस्पून बेसन डालने से ही कीमा बड़ा मुनासिब हो गया, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं था। अब हम इसके कबाब बनाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँ हाथ को। छोटे छोटे गोले बनाएंगे हम। ये बड़ा है, इसको छोटा करते हैं। इतने बड़े बड़े अच्छे नहीं लगेंगे। ये ठीक है, इस अगला इससे भी थोड़ा छोटा होगा। अगर आपके पास ऐसा राड है तो ठीक है, वरना बॉल पॉइंट से कोई भी आपको गोल चीज़ मिल जाएगी घर से। ऐसे मैं बनाती जाऊंगी। गोगी शेरी किचन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। ये रोज़ आपको बताएगा कि आसान और दिलचस्प तरीके से खाना कैसे बनाया जाता है। ऐसे पहले मैंने सारे गोल एक जैसे कर लिए, और अब ऐसे हम बनाते जाएंगे। गोला कबाब बन चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। मैं ऑयल डालकर इसे गर्म करती हूँ।
इंशाल्लाह फ्राई के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मीडियम हीट पर हम इसे बनाएंगे। इतने बना लेते हैं, फिर दोबारा बनाएंगे। एक तरफ से ये सुरख हो गए, इनकी मैंने साइज चेंज कर दी। अब मैंने लो मीडियम हीट कर दी है ताकि अंदर तक ये गल जाए। मैंने इन्हें अंदर तक पका लिया, अब मैं डिश आउट करती हूँ। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ी सी स्टीम दूंगी क्योंकि ये कीमे के कबाब हैं, ये इतनी जल्दी नहीं पकेंगे। थोड़ी सी थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें मैं इनको मैं स्टीम देती हूँ। हल्की सी आंच पे हम स्टीम पे रखते हैं ताकि ये अंदर तक गल जाए। चिकन के कबाब बड़ी जल्दी गल जाते हैं, लेकिन कीमे वाले कबाब जो हैं उनको थोड़ी देर लगती है। कबाब कच्चे ना रहें इसलिए मैंने इनको स्टीम दे दी। इसे मैं 5-7 मिनट के लिए स्टीम दूंगी। अगर कीमा कच्चा रह जाए तो बहुत ही खौफनाक फूड पॉइजनिंग होती है, इसलिए आपने कीमे का ख़ास ध्यान रखना है। मैं इसे 5 मिनट तक स्टीम दूंगी और बार बार इसको मैं ऐसे हला दूंगी। तो लीजिए, बहुत ही डिलीशियस और टेंडर कीमे के गोला कबाब तैयार हैं। आप भी बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर रेसिपी आसान लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस करें और शेयर और सब्सक्राइब भी करना है। बहुत शुक्रिया, एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।